नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में किसी भी स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक कौन सा है। सबसे पहले बहुत सारा कमेंट्स आए थे सर, आप एक बार एम सुमी मतलब मदार सुन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में बात किए, मतलब मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करिए। तो चलो उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ में शेयर करूंगा। तो देखिए मदरसन सुमी एक्चुअली देखा जाए तो संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। सब्सिडरीज मतलब इसको डीमर्जर किया गया है। तो जितने सारे इन्वेस्टर के एम सुमी सॉरी संवर्धना मदरसन सुमी के ऊपर इन्वेस्टमेंट था, हर एक शेयर में एक शेयर उसको बोनस के हिसाब से मिला, मतलब इस शेयर को बोनस के हिसाब से मिला। तो इस कंपनी के जो मतलब स्ट्रेंथ है उसके बारे में बता दूं, कंपनी के स्ट्रेंथ बहुत फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग है। ये कंपनी जिस सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं उस सेगमेंट वायरिंग्स के रिलेटेड है। इसका मतलब कंपनी देखिए ओवरऑल इस इंडस्ट्रीज में कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, 40%। इसका मतलब अच्छा खासा एक मार्केट शेयर लेके रखा रखा है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि 41.7% के आसपास यहाँ पे सॉरी 51.7% के आसपास यहाँ पे वैल्यूएशन है, जो कंपनी का पी रेशियो पिछले मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24.5 है और खुद का पी रेशियो 51.7 है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेस लेवल में देखने को मिलेगा, और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग भी है, इनकम भी अच्छा खासा है, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी भी एकदम ठीक ठाक है, मतलब 0.50 के नीचे होना चाहिए या फिर 2.28 के आसपास है, मतलब एकदम बेस लेवल में है। हाँ आपको मैं जो चीज़ दिखाऊंगा मुझे थोड़ा सा हाई लगा कहाँ पे, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स में 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 3.5 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है। तो क्या ये सस्ता है? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा महंगा है। साथ ही साथ कंपनी के क्विक रेशियो जो हमेशा 1 के ऊपर होना चाहिए, 1 से 2 के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे 0.72 के आसपास है, इसका मतलब यहाँ पे भी ये वीकनेस देखने को मिला। ईबिटा मार्जिन भी 13.8 है। ये सारे पॉइंट्स मैं मेजर कहाँ से कर रहा हूँ, कंपनी के रिजल्ट से। देखिए कंपनी ने इस बार जो रिजल्ट पब्लिश किया वो अच्छा तो है, मगर कंपनी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो नेगेटिव है। जैसे कंपनी का पिछले सालों में 46 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार कितना, 138 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जितने आज तक कंपनी ने जितने प्रॉफिट किए कंटिन्यूअसली जो प्रॉफिट किए, तो उनमें से देखा जाए तो लास्ट जो चार फोर मंथ था, फोर क्वार्टर था, उस क्वार्टर में इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया। फिर भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे जो पिछले साल में 13% था, इस बार वो घट के हो चुके 11%। इसका मतलब यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला। रही बात कंपनी का कैश फ्लो का, जहाँ पे मुझे कुछ चेंजिंग देखने को मिला। जैसे प्रोमोटर के सॉरी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दिखा रहे हैं कि 794, मतलब इतना पैसा आना चाहिए था कंपनी के हाथ में, मगर कंपनी के हाथ में कितना आया, 225 करोड़ के आसपास। और एक पॉइंट्स में आपको आपके साथ डिस्कशन करूं कि कंपनी के फिक्स एसेट परचेज, तो कंपनी इस बार अच्छा खासा एसेट को परचेज किया। पिछले सालों में कंपनी 100 करोड़ के एसेट को परचेज किए थे, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 200 करोड़ के आसपास। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया। तो इस पॉइंट यही मेजर करते हैं कि कंपनी के स्टेन किस तरीके से है। और रही बात कंपनी के कर्जे के बारे में, तो कंपनी पिछले सालों में कर्जा नहीं लिया था, इस बार कंपनी 74 करोड़ के आसपास कर्जा लिया, और कंपनी कर्जे को जो रीपेमेंट किया वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। तो फिर भी कंपनी के जो रिजर्व है उस रिजर्व के हिसाब से कंपनी का कर्जा बहुत कम है, तो ये बात मुझे पॉजिटिव लगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो उसके दिखाने से पहले कंपनी का एक डेटा आपको दिखा दूं। देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने नवंबर और दिसंबर मंथ में स्टेक बेचा था, उसके बाद देखिए लगातार लगातार बाइंग करते गए हर मंथ में से, जनवरी जनवरी फेबर मंथ एंड अप्रैल, इस 4 मंथ में देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली बाइंग किया जा रहा है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एक स्टेंड भी बन रहा है, मैं आपको पहले भी मेंशन किए थे, यहाँ पे एक ट्रेंड ड्रॉ करके आपको दिया था कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो टोटली अप ट्रेंड जैसा ट्रेंड बन रहा है। और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंट था, उस रेजिस्टेंट के आसपास कंपनी ने वॉल्यूम किया
और एक हैमर जैसे कैंडल बनाकर उसको ब्रेकआउट किया। जब कोई इस तरीके से कैंडल बनता है, हायर चांसेस होता है उस लेवल को ब्रेक करके एक बड़ा रैली दिखाएगा। तो फर्स्ट जो लेवल में मेंशन किया हो 60 रुपीज तक कंपनी जाएगा, और सेकेंड लेवल जो है वो 65 तक जाएगा। अगर इस लेवल को टच करते हैं और इसको थोड़ा सा वॉल्यूम करके ब्रेक करते हैं तो 65 तक जा सकते हैं। तो एंट्री लेवल यहाँ पे दिया गया है और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया गया है। आप टेलीग्राम में भी जाकर देख सकते हैं, इस एंट्री को बहुत पहले से आपके साथ शेयर किया गया। ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड कंपनी कौन सा है? सेकेंड कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। देखिए इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये कंपनी के बोर्ड मेंबर के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे सामने लेके आया। तो बोर्ड मेंबर यही बता रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या बता रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ विल बी ड्राइवन बाई एक्विजिशंस ए न्यू कस्टमर स्पेशली इन द मोबाइल सेगमेंट। तो कंपनी बता रहा है कि जो कस्टमर है उसको एक्विजिशन करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रखेंगे? मोबाइल सेगमेंट के ऊपर। अब सभी जानते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज मोबाइल से लेकर देखा जाए तो घर में जितने सारे इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो मतलब रेफ्रिजरेटर हो, आयरन मशीन हो, मोबाइल्स हो, सब कुछ के प्रोडक्शन यही कंपनी करते हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट यही बता रहा है कि कंपनी एक्सपेक्टेड हायर देन मतलब इंडस्ट्रीज ग्रोथ इन 2024 एंड 2025, मतलब इस दोनों सालों में कंपनी बता रहा है कि अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। और किस तरीके से ग्रोथ करेगा? द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड 20 से 30 मतलब BPS इम्प्रूवमेंट और इन द ईबिटा मार्जिन। तो ईबिटा मार्जिन में कंपनी का ग्रोथ होगा 20 से 30% के आसपास। तो अगर 20 से 30% ईबिटा मार्जिन का ग्रोथ होता है तो कंपनी का ग्रोथ तो तैयार है, कंपनी अच्छा खासा रैली तो जरूर दिखाएगा। अभी ये तो मैनेजमेंट का कमेंट्री है, तो मैनेजमेंट इस तरीके से बातचीत कर रहा है, तो होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में आपको पता चलेगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो कैपेसिटी है वो 1.2 मिलियन डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी कंपनी काम करेगा। इसका मतलब कंपनी सिर्फ मोबाइल सेगमेंट के ऊपर नहीं, कंपनी यहाँ पे 1.2 मिलियन डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर मतलब रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर भी कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ बहुत शानदार होने वाला है। तो देखिए इसीलिए कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा रैली भी देखने को मिला, अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला। मैं आपको मेंशन किया था इस रेंज को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा था, जब ब्रेकआउट होगा एक बड़ा रैली आएगा। तो ब्रेकआउट भी हुआ, एक बड़ा रैली यहाँ पे देखने को मिला। मुझे लगता है नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 4405 रुपीज़ के आसपास। इस रेंज, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को कंपनी जाकर टेस्ट कर, देखिए डायरेक्ट जाकर टेस्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करेगा, थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, मगर इस लेवल तक जरूर जाएगा। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए जो कैंडल क्रिएट हुआ है और जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है दोनों यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम इस लेवल तक जाएगा। इसके ऊपर मैं टेलीग्राम में पहले ही आपको अपडेट दिया था, जो एंट्री लेवल था इस एंट्री लेवल के ऊपर आप एंट्री ले सकते थे, और यहाँ पर टारगेट रेशियो इस लेवल तक जरूर जाएगा। तो ये था सेकेंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बातचीत करूंगा उसका नाम है ICICI बैंक। देखिए ICICI बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस बैंक के ऊपर धमाका के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कंपनी देखिए अच्छा खासा क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट भी पब्लिश किया, आज तक की सबसे बड़ा रिजल्ट कंपनी इस बार किया। कंपनी ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ रिजल्ट को अच्छा किया, कंपनी अच्छा खासा मेंटेनेंस भी कंपनी के देखने को मिला। जैसे कंपनी अगर एसेट देखेंगे तो कंपनी इस बार एसेट को बहुत ज़्यादा परचेजिंग किया, इसका मतलब अच्छा खासा एसेट को यहाँ पे परचेज किया गया। उसके साथ साथ कंपनी का जो कर्जा है वो आपको दिखा दूँ, देखिए प्रोसीड फॉर बोरिंग्स, तो कंपनी कितना कर्जा उठाया, देखिए 54,000 करोड़ का। और देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में कर्जा ज़्यादा लेना मतलब इसका मतलब ये चीज़ याद रखना, कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। देखिए जितना कर्जा वो लेंगे उतना ही कर्जा, उतना ही वो लोन के हिसाब से पैसा को बांट पाएंगे, और पैसे के जितने वो बांटेंगे मतलब लोन के हिसाब से बांटेंगे उतना फ़ायदा उन बैंकिंग को, उन फाइनेंशियल कंपनी को मिलेगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से, देखिए चार्ट पैटर्न में कुछ अच्छा खासा धमाका देखने को मिला। ऑब्वियसली आप देखेंगे तो 1 वीक के कैंडल पैटर्न में यहाँ पे देखिए एक जो पैटर्न बना, यहाँ पे देखिए जो यू पैटर्न बना ये स्ट्रांगली एक लेवल ब्रेकआउट किया। और यहाँ पे देखिए एंटी जल्दबाजी करके मत लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करने दीजिए, उसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल इस सारे कैंडल को अगर ब्रेकआउट करते हैं
और ऊपर जाकर क्लोजिंग देते हैं तो सोचना एक बड़ा रैली दिखेगा। तब आप इसके ऊपर एंटी जरूर हम खुद लेंगे, आपको भी टेलीग्राम में अपडेट दे देंगे और उसके बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो इंतजार करिएगा एक बड़ा धमाका देखने के लिए। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। देखिए बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड जो है इस कंपनी ने कुछ दिनों से एक अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है। एक मंथ में सिर्फ के सिर्फ एक मंथ में 45% के आसपास रिटर्न दे दिया, 6 महीने में 32% के आसपास, एक साल में कंपनी 30% के आसपास, मैक्सिमम में कंपनी कुछ खास नहीं और सॉरी 5 साल में कुछ खास नहीं, मैक्सिमम में कंपनी 385% का रिटर्न दिया। इस तरीके से रिटर्न दे रहा है तो इसलिए कंपनी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। अनाउंसमेंट क्या है, कंपनी हर 2 शेयर में 1 शेयर आपको बोनस के तरफ से देने वाले है। मतलब आपको हर 2 शेयर आपके पास है, मतलब आपके मान के चलिए आपके पास 200 शेयर है तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस कंपनी का। तो इस बोनस के चक्कर में इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए मुझे जरूर कमेंट करना, और इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करना। और हाँ, आपकी कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।